आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैंटम के बारे में। पिछले कुछ समय से आपने कई बार ये नाम सुना होगा, अननेम्ड गनमैन। ये नाम हर बार निकल कर आता है जब भी कोई पाकिस्तानी या किसी और ओरिजिन का आतंकवादी मारा जाता है। कल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था जहां पर कहा जा रहा था कि ये आदमी जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, इसको अननेम्ड गनमैन ने मारा है और ये लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडिंग मेंबर था। इसका नाम बताया जा रहा है मुफ्ती कैसर फारूक। इस आदमी को लेकर अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग तरीके के क्लेम किए गए थे। किसी ने इसको वांटेड टेररिस्ट कहा था, कोई इसको हाफिज सईद का करीबी बता रहा था और किसी की तरफ से कहा जा रहा था कि एक रैंडम इमाम था जिसको मार दिया गया है। देखिए, अगर आप फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कई चीजें पता चलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब के ऊपर हम लोग वो फुटेज डाल नहीं सकते हैं। हालांकि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको ये फुटेज मिल जाएगी। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि इस आदमी को टारगेट करके मारा गया है और स्पेसिफिकली इसी को टारगेट किया गया है। इसके साथ ग्रुप में कई सारे और भी लोग थे और अगर इसी को स्पेसिफिकली मारा गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो हिट की गई है वो प्रोफेशनल्स की तरफ से एग्जीक्यूट की गई है। देखिए, ये वन ऑफ क्लेम नहीं है, इससे पहले भी कई क्लेम्स हुए थे। 28 सितंबर वाले दिन हिजबुल टेररिस्ट जियाउर रहमान को मारा गया था कराची में। 29 सितंबर को कमालुद्दीन, जो हाफिज सईद का बेटा है, कहा जा रहा है कि उसको भी मारा गया था। इसको लेकर क्लेम किया जा रहा था कि इसको पहले किडनैप किया गया, इससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया है। देखिए, यहाँ पर परेशानी यह है कि इनमें से कोई भी क्लेम या काउंटर क्लेम किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। भारत के कुछ न्यूज आउटलेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चीजें सच है, वहीं पर पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर बातें बना रहा है। नेचुरल है, जब आपके पास में दो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो आप अपने बायस के हिसाब से चीजों को बिलीव करते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी। देखिए, पर्सनली मैं कैसर फारूकी को लेकर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाया और अगर ये बंदा एक्चुअली वांटेड था तो इसके बारे में कहीं ना कहीं वांटेड लिस्ट होती या कुछ और इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती। अगर आप इंटरनेट पर जाकर इस बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कल के ट्वीट्स को छोड़कर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इसकी केवल एक फोटोग्राफ ही पब्लिक डोमेन में निकल कर आती है जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है। इसके अलावा इसको मारने के बाद में जो फोटोग्राफ्स निकल कर आती है उनको भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो को जाकर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रैंडम किलिंग नहीं है, ये एक टारगेटेड किलिंग है। और इसी वजह से जो मैं हमेशा कहता हूँ वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, रियलिटी कहीं इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान काफी तेजी से रेडिकलाइज हो रहा है और पाकिस्तान के रेडिकलाइजेशन के पीछे ये मौलवी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान में मस्जिद की ताकत काफी तेजी से बढ़ रही है और धीरे धीरे रेडिकल लीडर्स मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने लूज एंड्स क्लोज करने की कोशिश करेंगे और ये एग्जीक्यूशन कुछ उसी तरीके की कोशिश हो सकती है। ये एक पॉलिटिकल किलिंग हो सकती है, इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी हो सकती है, इनके राइवल लीडर्स हो सकते हैं और अननेम गनमैन भी हो सकता है। ओवरऑल अश्योरिटी के साथ में इस मोमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और यहाँ पर किसी के पास में भी कोई तरीका नहीं है ये समझने का कि एग्जैक्टली इस किलिंग के पीछे किसका हाथ है, क्या कॉज है और क्या ये जो पिछले कुछ समय से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसका और इसका लिंक है।